नेम इज़ रिचा गुप्ता एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम वेट लॉस के लिए ओपोनोपोनो करें। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, हेल्दी डाइट्स भी ले रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप जिम भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, प्रॉपर डाइट को भी फॉलो करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अदर टेक्निक्स को भी अप्लाई करिए और साथ में आप ओपोनोपोनो को भी ट्राई करिए। सो वेट लूज़ के लिए हमें ओपोनोपोनो कैसे करनी है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारा वेट थोड़ा भी बढ़ जाता है या फैट बढ़ जाती है तो हम अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, हम खुद से प्यार नहीं करते। जब भी हम मिरर के सामने जाते हैं तो हम खुद को ही हेट करने लगते हैं और मिरर के सामने जाकर हम बार बार खुद से एक ही कंप्लेन करते हैं कि मेरा वेट बढ़ गया है। तो ये एक नेगेटिव अफर्मेशन हो जाती है हमारी बार बार कि हम जब भी खुद को देखते हैं या जब भी कोई भी न्यू ड्रेस ट्राई करते हैं या कोई पुरानी ड्रेस भी ट्राई करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो बार बार हमारे माइंड में एक ही थॉट आता है कि मेरा वेट बढ़ गया है एंड आई एम नॉट लुकिंग गुड, या फिर मैं फैट हो गई हूँ या हो गया हूँ। इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ये होती है हमारी अफर्मेशंस। तो आपको सबसे पहले अपनी इन नेगेटिव अफर्मेशंस को पॉजिटिव अफर्मेशंस में चेंज करना है। आपको ओपोनोपोनो के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कहना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लुक्स, ऑफ माई बॉडी एंड ऑफ माई वेट। अपने सामने अपने एक आइडियल बॉडी वेट को लिख लीजिए कि आपको इतना वेट चाहिए। अपनी खुद की कोई ओल्ड पिक्चर लगा लीजिए जिसमें आप स्लिम दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, जिस पिक्चर के साथ आप सेटिस्फाई हैं, या तो वो पिक्चर लगा लीजिए या फिर किसी और मॉडल की या किसी स्टार की आप कोई पिक्चर लगा लीजिए अपने सामने कि जो आइडियल वेट आपको चाहिए, जैसे आपको लुक्स चाहिए, उसको देखकर आप इमेजिन करिए और बोलिए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लुक्स एंड माई बॉडी एंड माई वेट। आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर बॉडी कि मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया, मैंने तुम्हें बुरा फील कराया, मैंने खुद के लिए अगली फील किया। प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर बॉडी कि मैंने कभी खुद की केयर नहीं की, मैंने कभी कभी जंक फूड भी खाया, कभी हेल्दी डाइट का ध्यान नहीं रखा, उसके लिए भी आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर बॉडी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी, थैंक यू सो मच माई डियर बॉडी, आई लव यू। सो इस तरह से आपको ओपोनोपोनो कहनी है। फिर आपको कहना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल माई निगेटिव इमोशंस अबाउट माई बॉडी, अबाउट माई लुक्स। आई एम सॉरी, मुझे जो भी निगेटिव फील हो रहा है, जो भी निगेटिव इमोशंस आ रहे हैं मेरी बॉडी के लिए या मेरे लुक्स के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच। इन सारे निगेटिव इमोशंस को मैं अभी की अभी रिलीज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। थैंक यू सो मच, आई लव माई बॉडी, आई लव माई लुक्स। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ एंड से आई लव यू। अब आपको कहना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल माई निगेटिव थाट्स अबाउट माई वेट, अबाउट माई बॉडी, अबाउट माई लुक्स। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा अपने लुक्स को लेकर, अपने वेट को लेकर गलत सोच रही हूँ। आई एम सॉरी कि मैं दूसरों से हमेशा कंपेरिजन कर रही हूँ अपने वेट को लेकर या लुक्स को लेकर। आई एम सॉरी कि मैं खुद के बारे में इतना ज़्यादा गलत सोच रही हूँ कि मैं अपना ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ। आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हूँ, वरी कर रही हूँ, ओवर थिंकिंग भी कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरा वेट कम ही नहीं होता। सो प्लीज़ फॉरगिव मी ऐसे नेगेटिव थॉट्स के लिए भी, प्लीज़ फॉरगिव मी खुद को परेशान करने के लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी अगली फील करने के लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी खुद को एक्सेप्ट ना करने के लिए, प्लीज़ फॉरगिव मी खुद से प्यार ना करने के लिए। जिस आपके बॉडी के जिस पार्ट में आपको ज़्यादा फैट फील हो रही है, जैसे अगर टमी पर फैट फील हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप अपनी टमी को टच करके भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने आपका ठीक से ध्यान नहीं रखा, प्लीज़ फॉरगिव मी मैंने जो मन चाहे वो खा लिया, बिना टाइम के लिए खा लिया, कभी भी फिक्स टाइम पर खाना नहीं खाया, जब मन हुआ तब खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, जो मन चाहे वो खा लिया, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने कभी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज नहीं की, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने कभी अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड वो जो ड्रेसेस जो अभी आपको फिट नहीं आ रही है, तो उन ड्रेसेस के को देखकर भी आपको थैंक्स कहना है, उन्हें भी आपको प्यार देना है। एंड आप दूसरे लोगों को देखकर जो कंपैरिजन कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, या आप बाहर जाने में लोगों से मिलने में कतराने लगे हैं, उन्हें अवॉइड करने लगे हैं, तो उसके लिए भी आप सॉरी बोलिए, खुद को सॉरी बोलिए, क्योंकि आप खुद को बुरा फील करा रहे हैं, तो बोलिए आई एम सॉरी खुद को बुरा फील कराने के लिए, आई एम सॉरी हमेशा बुरा सोचने के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। इसके बाद आप 108 टाइम ओपनोपोनो चैंट करिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव माई, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। बार बार अपनी बॉडी को टच करके, खुद को हक करके बोलिए कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एज आई एम, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। खुद के लिए आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, खुद को सेल्फ लव करिए, और मिरर के सामने आप जब भी जाते हैं तो मिरर के सामने खुद को देखकर वैसा इमेजिन करिए जैसा आप बनना चाहते हैं, ठीक है। जब आप इस तरह से बार बार विजुलाइजेशन के साथ हो ओपनोपोनो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करेगी आपके लिए। सो इस तरह से आपको हो ओपनोपोनो करना है, एंड 21 डेज का चैलेंज लेकर आप डेली करिए, मॉर्निंग में करिए, इवनिंग में करिए, और जिस टाइम भी आपको बुरा फील होता है आप उस टाइम खुद को बार बार करिए कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। तो इस तरह से आप इस प्रेयर को करिए, और आपको कोई भी और क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।